करोड़ों के लागत से बने वाटर एटीएम कचरे के ढेर में। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है। वहीं शहर के कई वार्ड एवं चौक चौराहों पर लगे विधायक मद से लगभग 20 वाटर एटीएम कचरे के ढेर में शोभा बढ़ा रहे हैं। हजारीबाग वासियों का आरोप है कि शहर में लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जब से वाटर एटीएम लगे हैं तब से इसका इस्तेमाल ही नहीं हो पाया है, बल्कि वाटर एटीएम के बगल से ही लोग कचरे का अंबार भी लगा दे रहे हैं, जिसे देखने वाला भी कोई नहीं है। आपको बताते चले, शहर में शुद्ध ठंड पेयजल के लिए 2 करोड़ से अधिक की लागत से शहर के विभिन्न जगहों पर वर्षों पूर्व एटीएम वाटर लगाए गए थे, लेकिन सभी वाटर एटीएम बिना उद्घाटन के ही बेकार साबित हो गए। इधर करोड़ों राशि के फंड के दुरुपयोग पर हजारीबाग के भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार चाहती नहीं है कि क्षेत्र में विकास का कार्य हो। विधायक ने वाटर एटीएम के कार्य को जिला परिषद एजेंसी के द्वारा कराए जाने की बात कही है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई का न होना विभाग की लापरवाही एवं जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये को दर्शाता है। सबसे पहली बात है कि क्या सोच के और कहाँ बनाया गया, यही हमको समझ में नहीं आता। मैंने अगर बनाना था, अब यहाँ पानी पीने कौन आएगा? सबसे पहली बात, जिस तरह का यहाँ पर है, पहले से कूड़ा कचड़ा जमा वहीं बना दिया गया, और कोई पियाओ चाहे कोई खड़ा रहने का भी स्थल नहीं बनाया गया है इसमें। तो ये बनाने का मतलब क्या था? अब शहर का लोग उद्घाटन का सोच रहा है कि उद्घाटन कब होगा इस वाटर का। तो हमको लगता है कि विधायक जी जिस पर्पज से बनाए हैं, ये जनता को कब फायदा मिलेगा, ये हम देखने के लिए चाहते हैं कि वो इसका फायदा कब मिलेगा। बनाए तो अच्छा चीज़ है, हम तो चाहेंगे कि शहर के लोगों को, जैसे अभी गर्मी है तो गर्मी में उसको पीने के लिए जगह जगह, कहीं दूसरे जगह नहीं जाना होगा, पियाव मिल जाएगा। लेकिन बताइए कि ये जगह पे कैसे पिएगा लोग? यहाँ कूड़ा कचरा जमा, एक बार जी आप इधर कैमरा खींचे देखिए, पूरा कूड़ा कचरा है, और विधायक जी का फोटो भी लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं उन्हीं को चिढ़ा रहा होगा। तो ये सोचना चाहिए, और हमको लगता है कि अगर बनाए हैं तो इसको उद्घाटन भी करें। हम पूरी जनता जो है सो उद्घाटन की बात जो रही है, हम लोग इस पर और क्या बोल सकते हैं। ऐसे में देखा जाए पानी का व्यवस्था किया हुआ है, ताकि आते जाते आदमी भी, धूप का टाइम है तो पानी के लिए आदमी रुकता, पानी पीता है। बाकी इसमें क्या है, अभी पानी के लिए पीने के लिए रुकेगा? यहाँ पे सब यहाँ पे आता है, कचरा वगैरह फेंक के चल जाता है। अभी गर्मी का टाइम है, आदमी इतना के धूप में आता है, कहीं रुकता है, ठंडा पानी पीता है। यहाँ पानी का जगह है ही नहीं, सब आगे केवल कचरा फेंको कचरा फेंको, बाकी कुछ है नहीं, कभी नहीं देखने लगता। कभी चालू होगा, जब से बना होगा तब से टैंकी उसी तब से पड़ा है, बच्ची भन 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 कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? चालू करवाया जाए इसको, क्या फ़ायदा होगा? जब आने जाने वाला आदमी इतना धूप में रुक के, कोई गरीब चाहे कोई भी रहे, एक गिलास पानी तो पी सकता ना यहाँ से। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल कुमार आना हुआ। देखिए 20 वाटर एटीएम्स लगाए गए हैं, जिसमें से 5-6 चालू हुआ, बाकी चालू ही नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत बार कंसर्न्ड जो एजेंसी है जिला परिषद, उसको मार दिया है। जिला परिषद को हम लोगों ने बहुत कड़े शब्दों में भी कहा है कि ये सरकारी पैसे का जो है दुरुपयोग है, अब आपको कार्रवाई करनी चाहिए। इस बार उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम लोग इसको ठीक करा के चालू करवाएंगे और कॉन्ट्रैक्टर पर भी कार्रवाई करेंगे। जो हम लोग का जो आरोप है कि ये जो वर्तमान एजेंसी सरकार है वो किसी भी चीज़ को संचालित नहीं करना चाहती। आज वाटर एटीएम लगा है, वो अच्छे सोच के साथ लगा है और अच्छे जगहों पे लगा है। आप ये बता दीजिए कि क्या इस राज्य में लोगों को ठंडा पानी, शुद्ध पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो ये वाटर एटीएम उसके लिए बहुत ही एक कारगर उपाय था। कोई जगह जहाँ जहाँ लगा हुआ है आप बता दीजिए कि किसी ऐसे बड़े व्यक्ति के घर में लगा हुआ हो या किसी होटल के बगल में लगा हुआ हो, जिससे कि वो व्यावसायिक उपयोग उसका कर रहा हो, ऐसा नहीं है। जो चयन किया गया है वो पॉइंट्स भी सब अच्छे हैं, इंटेंशन भी बहुत अच्छा था, और विधायक मत का 2 करोड़ से ऊपर का राशि इसमें लगा हुआ है। मैं भी मांग कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी उसको ऑपरेशनल किया जाना चाहिए।